सिर्फ 12 मिनट का कोई बात नहीं, 12 मिनट स्पेलिंग कर लेंगे। देखो दो बातें आपको समझनी है, इसी ऑर्डर का एक रूल 3 है और एक रूल 5, इन दो रूल को साथ साथ समझना है। एक ही उदाहरण में दोनों रूल्स को समझा जा सकता है। ये रूल 3 कहता है कि कॉज ऑफ एक्शन का जॉइंडर बताता है, किसका है ना। इस पर एक उदाहरण समझ लो, पहले मैं ये उदाहरण समझा देता हूं क्योंकि दोनों दो को जोड़ेंगे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो कॉज ऑफ एक्शंस के जॉइंटर का पहले उदाहरण समझ लो। जैसे एक ए आदमी है, ए बी के ऊपर एक केस करता है, बी के ऊपर जो केस करता है उस किस चीज के लिए केस कर रहा है, ये कर रहा है कि इसे रेंट पर अपना मकान दिया था, बी ने एक तो रेंट नहीं चुकाया, एक कॉज ऑफ एक्शन, पहला कॉज ऑफ एक्शन एक क्या हुआ, रेंट नहीं चुकाया। दूसरा ये था कि बी ए के यहां पर जॉब भी करता था, क्या करता था, जॉब करता था, जॉब करने पर कहीं से किसी भी प्रकार का उस जॉब के संदर्भ में जो पैसा ए को दिया जाना था कोई व्यक्ति बी को देकर चला गया था, वो पैसा जमा नहीं कराया, ठीक है। तो एक तरह से दो कॉज ऑफ एक्शन थे। और तीसरा किसने जो रेंट पे मकान लिया था, ये कहा था इससे कि भाई देखो ऐसा है कि जो मकान आप ले रहे हो उस मकान को, जो मकान आप ले रहे हो उस मकान को तुम ही रखना, दूसरे को मन देना। तो इसने क्या किया, उसका सबलेट कर दिया, क्या कर दिया, सब बैट कर दिया। अब ए दावा लाता है बी के ऊपर, ये कहता है रेंट, जॉब के पैसे, मतलब क्या समझे इसको, इसको जॉब के पैसे की जगह कोई दूसरा नाम दे सकते हैं, इसको दूसरा नाम दे देते हैं कि एजेंट के तौर, एजेंट मान लेते हैं, जॉब ना करना एजेंट का समझ लो, ठीक है। ए बी के विरुद्ध दावा लाया रेंट का, एजेंट का, सबलेट का, वकील साहब के पास पहुंचा, वकील साहब मेरे को ऐसे ऐसी दिक्कत है बी से, तो वकील साहब ने कहा देखो एजेंट के तौर के बाद को आप यहां नहीं ला सकते, तो कौन सा ला सकते हो, रेंट वाला और सबलेट वाला। सबलेट कर दिया, जो सबलेट कर दिया, सबलेट के लिए जो पैसे उसने प्राप्त कर लिए हैं उस पैसे को क्या कहेंगे, जो पैसे उसने प्राप्त कर लिए, जो धन उसने प्राप्त कर लिया है, अरे मीन प्रॉफिट, क्या क्या कहेंगे, मीन प्रॉफिट, हिंदी में क्या बोलेंगे, अंतःकालीन लाभ, अंतःकालीन लाभ। और इन दोनों को आप जोड़ेंगे, इन दोनों के जॉइंटर हो जाएगा कॉज ऑफ एक्शन का। तो बोले इसका क्यों नहीं हो रहा, एजेंट के तौर पे मेरे से यहां काम करता था उसका भी मेरे को तो इसी से जोड़ दो, तो वो कहेंगे कि नहीं भाई इसलिए नहीं जोड़ूंगा क्योंकि रूल 5 मना करता है। तो क्या कहना चाहता है कि रेंट वाला, सबलेट वाले, कॉज ऑफ एक्शन को एक साथ जोड़कर दावा ले आइए। एजेंट वाले को क्यों, क्योंकि ये कहता है कि जो निष्पादक है या किसी भी प्रकार की एक सेपरेट एंटिटी रखता है उस एंटिटी के लिए
सेपरेट दावा करना पड़ेगा, उन उस कॉज ऑफ एक्शन को इसके साथ नहीं जोड़ सकते। ऐसे मैंने पहले एक एग्जांपल दिया था कि एक व्यक्ति जो एचओडीएफ यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी के एचओडी के तौर पर यूनिवर्सिटी के लिए फर्नीचर खरीदता है, है ना, दूसरा अपने घर के लिए फर्नीचर खरीदता है, घर के लिए सोफा खरीदता है, तो दोनों को जोड़ा जा सकता है क्या? ना, रूल 5 मना करता है कि नहीं भाई, कॉज ऑफ एक्शन यहाँ पे उसकी एंटिटी एचओडी की है, उसके लिए अलग सेपरेट दावा लाओ, और घर वाली ये यूनिवर्सिटी वाली है उसके लिए अलग, और घर के लिए जो लाया है उसके लिए अलग, दोनों एक साथ जोड़े नहीं जा सकते, ठीक है, ये दोनों नियम पूर्ण हुए। इस प्रकार इस ऑर्डर में लगभग सारी चीजें आ गई। अब थोड़ी सी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है इसके एक रूल और है, रूल 4 है इसका। तो रूल 4 ये कहता है कि कौन कौन से कॉज ऑफ एक्शन जोड़े जा सकते हैं जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज के रिकवरी से संबंधित हैं, उनमें से कौन कौन से जोड़े जा सकते हैं। तो इसमें 3 बातें इसने बता रखी हैं। पहली तो है मीन प्रॉफिट के जितने मामले हैं उन्हें जोड़ा जा सकता है, दूसरी कि कोई नुकसानी हुई है, डैमेज कोई हुआ है तो डैमेज वाले जोड़े जा सकते हैं, और तीसरा है कोई बाद है तो उसी पर नुकसानी पर जो बेस्ड है उनको जोड़े जा सकते हैं। अब जो ये बात समझ में आ गई ना इसका, फिर नेक्स्ट रूल 6 और 7 जो है कि आक्षेप की बात कि कब उठाई जाए कि कॉज ऑफ एक्शन गलत जुड़ गए, तो यहाँ पे सीधी सिंपल सी एक लाइन है कि यथासंभव सीधे अवसर पर वो जरूरी बताई जानी चाहिए, और रूल 6 कहता है कि कोर्ट को ऐसा लगता है कि किसी भी मामले में जहां उलझन पैदा हो रही है जिसकी वजह से डिले हो सकता है तो कोर्ट कह सकती है कि सेपरेट कॉज ऑफ एक्शन लाइए, ठीक है ना। इस प्रकार ऑर्डर 2 पूर्ण हुआ। एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क मी रिलेटेड विद ऑर्डर 2? एनी क्वेश्चन कोई पूछना चाहता है कोई भी? तो ऑर्डर 1 आप लोगों ने पढ़ा, ऑर्डर 2 आप लोगों ने पढ़ा, इसमें किसी को कोई समस्या, क्वेश्चंस लाए हो क्या ऑर्डर 1 और ऑर्डर 2 पर बेस्ड? हैं? नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस?